हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हमने संविधान सभा से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट वन होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम एन राय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन राय या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसे मूर्त रूप प्रदान किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो 1936 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिप्स योजना के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो यह जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो यह जो है वह फैजपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कुल सदस्य वह जो है 389 होने थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 208, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, 299, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। आपको बताना है कि देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 70 थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 229, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 लाख व्यक्ति के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रांतों की विधानसभा ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त प्रांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया, ये हमारा पार्ट वन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।